नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं पिनास त्यागी और खबर कट टू कट के सुपर स्पेशल में आज सबसे पहले बात होगी ओमिक्रॉन के उस खतरे की जो सुरसा की तरह अपना मुंह लगातार फैलाता जा रहा है। ओमिक्रॉन के केस अब देश में बढ़ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली और मुंबई के हालात देखकर लग रहा है कि मानो ये ओमिक्रॉन का वेरियंट का हॉटस्पॉट बन जाएंगे आने वाले दिनों में। ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन किस रेट से बढ़ रहा है, ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मोदी सरकार ने क्या प्लान तैयार किया है और हर राज्य संक्रमण से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है, देखिए समझिए पहली कट टू कट की कोरोना रिपोर्ट। ओमिक्रॉन को लेके सब लोग काफ़ी चिंतित हैं क्योंकि पूरी दुनिया भर से जो खबर आ रही है उसके हिसाब से बहुत तेज़ी से फैलने वाला वायरस है। ओमिक्रॉन के जनवरी फरवरी की वेव के लिए तैयार रहना चाहते हैं अभी से बूस्टर लगाना मेरे विचार से ज़रूरी है। ओमिक्रॉन कोरोना का वो वेरिएंट जिसने पहले दुनिया के होश उड़ाए और अब ओमिक्रॉन भारत के लिए सिर दर्द बनता दिख रहा है। ओमिक्रॉन से निपटने के लिए किस तरह केंद्र और राज्य सरकारें कमर कस रही हैं ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले समझिए ओमिक्रॉन को क्यों माना जा रहा है बढ़ता हुआ खतरा। 2 दिसंबर को देश में ओमिक्रॉन का पहला केस मिला था। 14 दिसंबर को ये केस हो गए 50, यानी 12 दिन में 50 गुना बढ़ोतरी। 14 से 17 दिसंबर यानी 3 दिन के अंदर केस की तादाद 50 से बढ़कर 100 हो गई, यानी 3 दिन में दुगने। 17 से 21 दिसंबर के बीच ओमिक्रॉन के केस 100 से बढ़कर 200 हो गए, यानी 4 दिन में दुगने। और 23 दिसंबर तक ये केस 200 से बढ़कर 300 हो गए, यानी सिर्फ 2 दिन के अंदर 100 मामलों की बढ़ोतरी। ये ग्राफ साफ साफ बता रहा है कि अगर 100 के मानक पर देखें तो ओमिक्रॉन के संक्रमण का वक्त कम होता जा रहा है, यानी इन्फेक्शन रेट तेजी से बढ़ रहा है। इसी वजह से मोदी सरकार ने ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए हालात का जायजा लिया और कुछ कदमों को तय किया। इस मीटिंग के बाद सभी राज्यों को सभी किस्म की सावधानियों को बरतने के निर्देश दिए गए। कोविड कंट्रोल मैनेजमेंट के लिए स्थानीय प्रशासन विवेक अनुसार कदम उठाए। त्योहारों के मद्देनजर राज्य सरकारें जरूरी पाबंदियां लगाएं। वैक्सीनेशन की रफ्तार को और तेज किया जाए। केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव ने साफ तौर पर कहा है कि आने वाला समय चूंकि फेस्टिवल्स का समय है, क्रिसमस त्योहार का समय है, नए साल के जश्न का समय है, ऐसे में सभी राज्य अतिरिक्त अलर्ट रहें क्योंकि जमीन पर आने वाला समय ओमिक्रॉन के प्रसार को लेकर सबसे अहम हो सकता है। और सबसे अहम चीज कोरोना को लेकर के डबल डोज, जी हाँ, वायरस के खिलाफ सबसे अहम प्रभावशाली हथियार डबल डोज को डोर टू डोर हर घर में पहुंचाने के लिए सभी राज्यों को केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। देश में ओमिक्रॉन के मामलों को देखा जाए तो अब तक 17 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्रों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में तमिलनाडु तक ओमिक्रॉन का संक्रमण दर्ज किया गया है। अब तक पूर्वोत्तर से ओमिक्रॉन के मामले सामने नहीं आए। राज्यों में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने भी कमर कस ली है क्योंकि कोरोना की पहली और दूसरी वेव के दौरान राजधानी दिल्ली इन्फेक्शन की हॉटस्पॉट बन गई थी। अगर ये फैलता बहुत तेजी से तो हमारा वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग होना चाहिए, तो हमने 3,00,000 टेस्ट डेली करने की अपनी कैपेसिटी बनाई है। तो होम आइसोलेशन को हम काफी स्ट्रांग करने जा रहे हैं, जैसे टीम्स जो जाएंगी घरों में। अभी हमारी सरकार में कैपेसिटी केवल 1,000 केसेस पर डे की कैपेसिटी थी, 1,100 केसेस पर डे की आज जब मैंने मीटिंग ली, इसको हम 1,00,000 केसेस पर डे की कैपेसिटी तक ले जा रहे हैं। सिर्फ दिल्ली सरकार ही नहीं, हरियाणा और पंजाब में भी ओमिक्रॉन को लेकर सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जिन लोगों ने दोनों डोज नहीं ली है वो सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जा पाएंगे। वहीं पंजाब सरकार ने घोषणा कर दी है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने वैक्सीन नहीं ली है उनकी सैलरी रोक दी जाएगी। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि इसका मोर्टिलिटी रेट डेल्टा वेरिएंट से कम है, लेकिन जिस तरह ब्रिटेन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक ओमिक्रॉन का संक्रमण चंद दिनों के अंदर फैला वो सीधी चेतावनी है। अगर इंडिया वाले सावधान नहीं रहे तो इन्फेक्शन की टेंशन कई गुना बढ़ जाएगी।
टीम न्यूज नेशन। तो एक तरफ ओमिक्रॉन के खतरे से निपटने के लिए दिन रात तैयारियां हो रही हैं, तो दूसरी ओर लापरवाहों की पूरी जमात ओमिक्रॉन के लिए मानो अपना दरवाजा खोले बैठी है। कहीं प्रशासन की लापरवाही से ओमिक्रॉन का मरीज ट्रेस नहीं हो पा रहा है, तो कहीं जनता भूल ही गई है कि भाई कोरोना भी गया नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह कुछ लोगों की लापरवाही ओमिक्रॉन के इन्फेक्शन को दावत दे रही है, कैसे ट्रेसिंग में लापरवाही हो रही है और कैसे बाहर से आने वाले लोग अपने फोन बंद करके गायब हो गए हैं। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो यही लोग जिम्मेदार ठहराए जाएंगे आपकी और हमारी जान खतरे में डालने के। गौर से देख लीजिए दिल्ली की दो तस्वीरों को। सीएम केजरीवाल खुद ओमिक्रॉन के खतरे के मद्देनजर बैठक ले रहे, इंतजामों को देख समझ रहे हैं और दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में इन्फेक्शन के खतरे से बेखबर हुए लोग घूम रहे। इस भीड़ को आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आएगी और कई लोग बिना मास्क के घूमते नजर आएंगे। ये वही जमात है जिसकी लापरवाही बार बार कोरोना की नई लहर की वजह बन जाती। क्या सरोजनी नगर और क्या पहाड़गंज, दिल्ली के अलग अलग इलाकों में आपको इसी किस्म की लापरवाही नजर आएगी और अगर इन्फेक्शन फैला तो ऐसे ही लोग सरकारों को कोसते नजर आएंगे। छोटी सी बात इनको समझ नहीं आती, ओमिक्रॉन का संक्रमण पिछले सभी वेरियंट से ज्यादा है। ये वेरियंट ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, लेकिन जैसे हम कहते हैं कि चाहे कोई भी वेरियंट हो, दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक की वैक्सीन लगाना, तो जिन लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है, जिन्होंने नहीं लगाई है, चाहे वो फर्स्ट डोज हो या सेकेंड डोज हो, उनको आगे आके अपना पूरा वैक्सीन लगानी चाहिए। और दूसरा है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, हमें ये देखना चाहिए कि हम मास्क रेगुलरली लगाएं, भीड़ ना इकट्ठे होने दें, फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, हाथ धोएं। सिर्फ जनता ही नहीं, बड़ी बड़ी सरकारों के एक्शन भी सवालों के घेरे में है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25 से 31 दिसंबर यानी क्रिसमस से लेकर न्यू ईयर तक सभी पाबंदियां हटा दी। दिल्ली की कथित पढ़ी लिखी जनता बंगाल की सरकार से ज्यादा समझदार तो शायद तेलंगाना के इस गांव के लोग हैं। इस गांव का नाम है गुडेम और यहां गांव वालों ने खुद ही लॉकडाउन लगा दिया है। दरअसल इस गांव से एक शख्स ओमिक्रॉन पीड़ित पाया गया था और संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस गांव के लोग बिना जरूरत घरों से बाहर नहीं निकल रहे। ऐसी ही समझदारी, ऐसी ही छोटी छोटी सावधानी का पालन अब हमें और आपको करना है ताकि कोरोना एक बार फिर हिंदुस्तान को अपने शिकंजे में ना कस सके। टीम न्यूज नेशन। और अब खबर समंदर के बीच उस एक्शन की जिसके एक एक मूवमेंट को शायद देश के दुश्मन भी देख रहे होंगे। यह है देश की पहली ट्राई सर्विस कमांड यानी अंडमान निकोबार कमांड का वो युद्धाभ्यास जिसमें एयरफोर्स, नेवी के साथ साथ भारतीय सेना की स्पेशल फोर्सेस भी हिस्सा ले रही हैं। क्या है इस युद्धाभ्यास का मकसद और किस तरह देश की सेना की ताकत को ये युद्धाभ्यास धार देगा, कट टू कट की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अंडमान के समंदर की लहरों में उस वक्त हलचल तेज हो गई जब देश की एएनसी कमांड के परचम तले अलग अलग रेजिमेंट्स, अलग अलग सर्विसेज के बहादुर एक साथ जुटे और एक बड़े हमले की तैयारी को अंजाम दिया। युद्ध अभ्यास में कौन कौन शामिल? इस युद्ध अभ्यास में सेना के तीनों अंगों से जवान और उपकरण हिस्सा ले रहे हैं। एयरफोर्स के अटैक और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर्स के साथ ही साथ नेवी की स्ट्राइक बोट्स और मरीन कमांडोज और आर्मी की तरफ से शत्रुजीत ब्रिगेड के पैराट्रूपर्स युद्ध अभ्यास का हिस्सा बने हुए हैं। ये एक मल्टी डोमेन एक्सरसाइज है और इसमें कार्गो डिलीवरी और कोस्ट गार्ड्स के साथ कोऑर्डिनेशन की भी प्रैक्टिस की जा रही है। युद्ध अभ्यास का मकसद क्या? अंडमान निकोबार कमांड के तहत की जा रही इस वॉर एक्सरसाइज का मकसद है एम्फीबियस लैंडिंग और ऑब्जेक्टिव कम्प्लीशन यानी पानी के बीच या पानी के किनारे बने किसी इलाके तक पहुंचना और फिर पहले से तय किए गए टास्क को पूरा करना।
एक्सरसाइज में शामिल पैरा ट्रूपर्स को हेलीकॉप्टर्स और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के जरिए पैरा ड्रॉप किया गया और फिर ये कमांडो निर्धारित टारगेट्स तक पहुंचे। इस किस्म के ऑपरेशन ऐसे हालात में अंजाम दिए जाते हैं जब किसी एक क्षेत्र में सीमित टारगेट को कम वक्त में और बहुत कम नुकसान के साथ तबाह करना हो। अगर समंदर किनारे या समंदर से घिरे किसी देश या क्षेत्र में ऑपरेशन को अंजाम देना हो तो इसी किस्म के एम्फीबियस मनोवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। चीन के साथ अगर कभी युद्ध हुआ तो कोई कारण नहीं है कि पाकिस्तान उस युद्ध में न कूदे, और अगर ऐसा होता है तो जो कैपेबिलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में इस एक्सरसाइज के माध्यम से, उस कैपेबिलिटी को उस रूप में या और बेहतर रूप में एनलार्ज करके हम पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने पैरा ड्रॉपिंग की एक एक्सरसाइज को कश्मीर में अंजाम दिया गया था जहां बर्फीले पहाड़ों के बीच कमांडो उतरे थे और जमीन पर मौजूद टारगेट्स को कुछ ही वक्त के अंदर पूरा कर लिया था। टीम न्यूज़ नेशन। और अब आपको दिखाते हैं दो ऐसी तस्वीरें जो आपके सामने इमरान खान के झूठ और पाकिस्तान की काली सच्चाई रख देंगे। जब भी पाकिस्तान में हिंदू या अल्पसंख्यकों के खिलाफ कोई अपराध होता है, कोई अत्याचार होता है, तो इमरान सरकार सेक्युलर होने का भोंपू बजाने लगती है। लेकिन इस भोंपू की आड़ में दरअसल हिंदू अल्पसंख्यकों की दर्द भरी चीखें दबाई जाती हैं। दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं आपको, एक बार फिर समझिए आखिर क्यों कहा जाता है पाकिस्तान में हिंदू होना पाप है। बीच सड़क पर एक महिला चीखे जा रही, वो मदद की गुहार लगा रही, लेकिन सामने खड़े तीन दरिंदों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो महिला को उसके बाल पकड़कर घसीटते हैं, मारते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं और गाड़ी में धकेलकर महिला को किडनैप कर लेते हैं। ये पाकिस्तान के किसी दूर दराज इलाके का गली मोहल्ला नहीं बल्कि सिंध का उमरकोट शहर है। दरअसल ये महिला स्थानीय मुसलमानों से परेशान थी और उनके खिलाफ इसने केस दर्ज किया था। महिला का केस दर्ज होने के बाद वो सुनवाई के लिए उमरकोट में सेशन कोर्ट पहुंची थी और कोर्ट के अंदर से ही उसे कट्टरपंथी घसीटकर बाहर ले आए और किडनैप कर लिया। आप जरा सोचिए, अदालत में हमेशा पुलिस की मौजूदगी रहती, वहाँ वकीलों और मुवक्किलों की भीड़ रहती, लेकिन हिंदू होने की वजह से कोई इस महिला की मदद के लिए नहीं आया और ना इंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने के बावजूद इस महिला को जुल्मी हाथों में ही फंसना पड़ा। ये पाकिस्तान में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों का सिर्फ एक सबूत है। अब आपको एक और ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे देखकर आपका दिल पसीज जाएगा। जगह है पाकिस्तान का सिंध और जो महिला जोर जोर से रो रही है उसके भाई को स्थानीय कट्टरपंथी उठाकर ले गए। सिर्फ 14 साल के अविनाश को बच्चा बाजी के लिए स्थानीय कट्टरपंथियों ने किडनैप कर लिया और जब परिवार ने आवाज उठाई तो उसे धमकाने के लिए उन्मादी भीड़ पहुंच गई। तारीखों के पन्ने पलटते जाइए और आपको पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्गति की तस्वीरें नजर आती जाएंगी। हाल ही में 20 दिसंबर को पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू मंदिर के अंदर देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। एक कट्टरपंथी ने मंदिर के अंदर घुसकर मां दुर्गा की प्रतिमा और साथ में रखी पूजा सामग्री के साथ तोड़फोड़ की थी। मंदिर के पुजारियों ने इस कट्टरपंथी को पकड़ भी लिया था, लेकिन पकड़े जाने के बावजूद इसकी हिमाकत सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये इबादत के लायक नहीं है, ये आप इनके जवाब सुन सकते हैं। इस शख्स को पता है कि पकड़े जाने के बावजूद पाकिस्तान का कट्टरपंथी सिस्टम इसे खरोंच तक नहीं आने देगा, तभी तो ये ऐसा करने की जरूरत कर रहा है। ये वो पाकिस्तान है जहां हर साल औसतन 1000 हिंदू लड़कियों को जबरन किडनैप कर उनका मुसलमानों से निकाह कराया जाता है। ये वो पाकिस्तान है जहां पिछले एक साल के अंदर 4 बड़े हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। तस्वीरें और हालात अब किस सामने,
चाहे वो पाकिस्तान के हिंदू या सिख या फिर ईसाई, सभी अल्पसंख्यक आज मदद की गुहार लगा रहे हैं और चीख चीख कर कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक होना पाप है। टीम न्यूज नेशन। तो खबर के टिकट में आपने देखी देश और दुनिया की वो खबरें जो जानना समझना आपके लिए जरूरी था। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत।